everyone how are you all hope you all are doing good standard 4 subject match magic workbook and we are doing chapter 9 chapter name is Hullways and quarters in my last video i already explained you this chapter all the problems and taste yourself so today i'm going to explain let's do homework of chapter 9 from your workbook so open your workbook and concentrate here first number choose the correct alternatives and fill the blanks It is given some blanks that we have to fill with given options so see the first question two parts out of four equal parts of the strip means what two parts do part kitna ka equal four parts ka स्ट्रिप का कितना है फोर पार्ट्स है उसका एक साइड का दो पार्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किए इसको टू इक्वल पार्ट में फोर पार्ट को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो क्या होगा वन अपॉन्स टू सो वन अपॉन्स टू इज द राइट आंसर नाउ सीधा सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर इज

टेबल्स गिवन ब्लू नंबर फ्रैक्शंस होल पार्ट एंड पार्ट फ्रॉम होल सो फ्रैक्शन इज गिवन यर वन अपॉन टू होल पार्ट होल पार्ट मतलब किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन किसको बोलते हैं फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जो ये फ्रैक्शन है ओके okay? तो उसका होल पार्ट किसको हम लोग काउंट करते हैं टू सो टू होल पार्ट है इसलिए उसको हम लोग डाउन में लिखेंगे सो पार्ट ऑफ होल पूरे पार्ट का कोई एक काउंट करते हैं तो उसको ऊपर में लिखते हैं सो होल पार्ट कितना है टू बिकॉज डाउन पार्ट है और पार्ट ऑफ होल एक होल पार्ट का एक कोई सा पार्ट सो वन सो ऊपर वाले को हम लोग पार्ट ऑफ होल में लिखेंगे और यहाँ पे डाउन वाले को हम लोग लिखेंगे होल पार्ट में बिकॉज जितना भी वन अपॉन्स टू है तो टू किस में आएगा होल पार्ट में और वंस है तो पार्ट ऑफ फ्रॉम होल पार्ट फ्रॉम होल पूरे में से उसका एक भाग वन अपऑन फोर सो होल पार्ट होल पार्ट्स कितने में डिवाइड है फोर में और पार्ट्स फ्रॉम होल पार्ट्स फ्रॉम होल मतलब पूरे पाँच का कितने भाग चार पाँच का एक भाग सो दैट इज वन वन अपॉन फोर नाउ होल पार्ट होल पार्ट में नीचे वाला फोर एंड पार्ट फ्रॉम होल पार्ट फ्रॉम होल कितना है टू सो so, चार का दो भाग होल पार्ट्स इज फोर एंड थ्री इज द Part from whole. 4 is a whole part. And upper side that is part from whole. So, like this, you have to write here. Niche ka jo fractions mein aiga, usko kya bolte hai? Whole part. Okay. 4, 4, 4. And parts from whole. 1, 1, 2, 3, and 4 is a part from whole. That you have to remember. Now, see the third number. Colour each of the Below given figure to represent the correct corresponding fraction. Corresponding fraction में हम लोग को इसको color करना है और you can do the pencil shade. So वन upon टू तो अभी हमने क्या सीखा whole part whole part किसको बोलते हैं टू So whole part हम लोग को इसको समझना है कि टू में divide करना है पर ये चार में divide है तो टू में करना है मतलब आधे को count करना तो ये इस साइड का पूरा और इस साइड का पूरा टू हो गया ओके okay? सो so, उसका एक पार्ट को हम लोग को कलर करना है तो एक मतलब ये दोनों पार्ट को हम लोग कलर कर देंगे एक पार्ट को पूरे में शेडिंग कर दूंगा दैट इज कॉल्ड वन अपॉइंट टू नाउ सी द्री अपॉइट फोर थ्री अपॉइंट फोर मतलब पूरा पार्ट्स कितना है इसका वन टू थ्री फोर है उसके ऊपर वाला साइड क्या है Part from whole. पार्ट फ्रॉम होल पूरे पार्ट्स का तीन भाग तीन भाग को हम लोग को क्या करना है शेडिंग करना है सो थ्री अपॉन फोर हो जाएगा पूरा पार्ट्स नीचे और पार्ट फ्रॉम होल को शेडिंग करना है सो दैट इज द्री वन ही ऑल्सो थ्री अपॉन फोर सो थ्री जितना है उसको हम लोग को कलर करेंगे और शेडिंग करेंगे और पार्ट फ्रॉम होल पूरा कितना है वन टू थ्री फोर है तो नीचे में हम लोग फोर लिखा जाएगा नाउ सीधा फोर्थ एंड फिगर होल होल कितना पार्टस है फोर वन टू थ्री फोर तो होल नीचे का पार्ट है फोर और वन पार्ट ऊपर दिया तो वन पार्ट कोई भी एक साइड के पार्ट को हम लोग शेडिंग करेंगे और अदरवाइज कलर ही इज गिवेन द होमवर्क बट आई विल एक्सप्लेन यू मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ देन यू हैव टू डू फ्रॉम योर ओन टू वन अपॉन टू इज गिवेन ईयर बट हियर इज काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज गिवेन ईयर सिक्स यहाँ पे है सो so, हम लोग को वन ओपॉन्ट टू लाना है टोटल पार्ट कितना है टोटल पार्ट है सिक्स सो so, इसका वन ओपॉन्ट टू सो इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे ओके okay, दो कोई से भी दो पार्ट में डिवाइड करना तो so, सिक्स को दो पार्ट में हम लोग को डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा थ्री थ्री के फ्रैक्शन में वन टू थ्री एक साइड थ्री और एक साइड थ्री होना चाहिए सो दैट इज दो पार्ट में ये क्या हो गया सिक्स क्या हुआ डिवाइड हो गया तो सिक्स दो पार्ट में अब डिवाइड हो गया पर ऊपर क्या दिया है वन दिया हुआ है so, सो एक साइड के एक साइड के मतलब तीन स्ट्रिप को हम लोग कलर कर देंगे तो ये पूरे तीन स्ट्रिप को हम लोग को कलर करना पड़ेगा और ये साइड ब्लैंक्स रहेगा ओके दैट इज कॉल्ड वन अपॉन टू आधे भाग में हमने सिक्स स्ट्रिप को आधे भाग में हम लोग डिवाइड कर दिया नाउ सी द लास्ट वन ये इज गिवेन थ्री अपॉन फोर तो थ्री अपॉन फोर दिया दैट इज अ सिंपल फोर कितना है होल लाइन स्ट्रिप कितना है फोर है बट थ्री पार्ट्स में हम लोग को कलर करना है तो एक दो एंड थ्री वन टू एंड थ्री इज गिवेन ईयर तो इन तीनों पार्ट्स को कलर करेंगे और इसको ऐसे ही ब्लैंक से रहने देंगे सो दैट इज कॉल्ड थ्री अपॉन फोर लाइक दिस यू हैव टू डू फ्रॉम योर ओन मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग इज गिवेन हियर सो लेट्स मैच इट फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर इज गिवेन यर सन फ्लावर वन टू थ्री एंड फोर फोर इज गिवेन यर बट हियर इज अ टू सनफ्लावर इज इन अ सर्कल तो क्या होता है इसका फोर अपॉन टू फोर अपॉइन टू है तो इसको हम लोग फोर अपॉइन टू में रहने देंगे ना टोटल नंबर इज यहाँ हम लोग लिखते हैं ओके फोर अपॉन टू सो वी विल रिमेंबर वन टू थ्री फोर टोटल नंबर इज़ फोर और कितने में सर्कल है वन टू थ्री सो थ्री थ्री अपॉन फोर नाउ ही एज ए आइसक्रीम दे इज फोर आइसक्रीम तो टोटल नंबर होल नंबर कितना है फोर है और सर्कल कितने में है एक में सो so, एक वन अपॉन फोर एंड ये इज अ पीजेंस सो टोटल नंबर ऑफ पीजें इज फोर और फोर सब में सर्कल है तो फोर अपॉन फोर ओके नाउ वी डू द मैच तो टू अपॉन फोर का है टू अपॉन फोर इज हियर सी हियर इज थ्री अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर इज कम डाउन देन आफ्टो आइसक्रीम वन अपॉन फोर एंड इसका कितने लगेगा पीजेन का

चार एप्पल्स में से हम लोग को दो एप्पल्स को कलर और या शेड्स करना है एंड वी है वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन इन अ फ्रैक्शन सो टोटल नंबर इज फोर सो वी हैव टू राइट इन अ डाउन फोर और शेडिंग पार्ट्स और कलर एप्पल कितने बोला गया है टू सो वी हैव टू मेक ये अ टू सो टू अपॉन फोर हो गया सो टू वन जा टू एंड टू टू ज फोर ये डिवाइड होगा सो वन ओपॉइट टू इज योर एंसर नॉ सेकेंड नंबर कलर थ्री स्टार एंड रिप्रेजेंट इन द फ्रैक्शन सो टोटल नंबर इज़ फोर डैट्स यू हैव टू राइट एंड रिप्रेजेंट कितने को कलर करने का बोला है थ्री स्टार को कलर करने सो थ्री अपॉन्स फोर इज योर एंसर ओके नाउ सीधा नेक्स्ट वन थर्ड नंबर थर्ड नंबर इज य कलर फोर आइसक्रीम एंड रीप्रेजेंट इन द फ्रैक्शन फोर आइसक्रीम टोटल कितने आइसक्रीम हैं फोर ही है और उसको री कलर कितने को करने बोला है फोर को सो so, टोटल सो so, आप यहाँ पे फोर अपॉन फोर भी लिख सकते हैं या फोर वन ज़ा फोर फोर वन जा फोर सो टोटल सिंपल वन भी लिख सकते हो ओके बोथ आंसर इज राइट या द होल नंबर वन और पार्ट्स ऑफ द नंबर इज़ आल्सो वन एंड यू कैन राइट द फोर अपॉन फोर ऑल्सो बोथ इज़ द राइट आंसर नाउ सी द फाइव नंबर फोर नंबर सॉरी फोर नंबर कलर वन बॉल एंड रिप्रेजेंट इट इन फ्रैक्शन चार बॉल टोटल कितने बॉल है चार बॉल है वन टू थ्री एंड फोर कितने को कलर करने बोला है या शेडिंग को करने बोला सो इज़ योर आंसर लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डू इट नाउ सी सिक्स नंबर एड एंड सपरेक्ट एंड ड्रॉ द फिगर एज वेल रिप्रेजेंट ईच फिगर इन फ्रैक्शन एड एंड सब्ट थ्री अपॉन फोर सब्ट विध टू अपन फोर सो थ्री यू कैन सी सॉरी फोर अपॉन फोर एंड टू अपॉन फोर इज गिवेन ईर हम लोगों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना तो नीचे का जो फ्रैक्शन है वो सेम है सो राइट द फोर एंड फोर सब्ट्रैक्ट विद टू सो टू अपॉन फोर इज़ योर सब्ट्रैक्शन नाउ सीधा फर्स्ट नंबर इज गिवेन येट इज एडिशिंग एडिशन है क्या है एडिशन है एडिशन को हम लोग क्या करेंगे ये कितने भाग है फोर भाग है तो टोटल फोर

Now come on next page. See the question number two. One upon four because चार पाँच है उसके एक पाँच में shading है. So one upon four. इसमें भी कितना है? चार पाँच है उसके एक पाँच में shading है. So one upon four. Now do the plus. So four. दोनों four एक जैसा है तो four and one plus one. So two upon four. So draw it and do the color like this. Now see the third number. Third number is given here. फर्स्ट फाइंड आउट द फ्रैक्शन थ्री पार्ट इज शेडिंग टोटल पार्ट्स इज फोर सो फोर राइट हीयर थ्री पार्ट्स इज शेडिंग सो थ्री अपॉइंट फोर ये इज ए टोटल पार्ट इज फोर एंड वन पार्ट इज शेडिंग सो वन अपॉइंट फोर 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 ये राइट हीय थ्री सबरेक्ट विथ वन सो थ्री सबट्रेक्ट विद वन टू टू अपॉइंट फोर सो सर्कल इट एंड टू पार्ट्स में आप लोग को कलर करना है और शेडिंग करना है टोटल पार्ट्स है फोर नाउ सी दर्ड फोर्थ नंबर स्टूडेंट फोर्थ नंबर इज गिविन ईयर टोटल पार्ट इज फोर एंड शेडिंग पार्ट ऑल्सो फोर सो फोर अपॉन फोर सब्ट्रेक्शन इज यर टोटल पार्ट इज़ फोर एंड द शेडिंग पार्ट इज थ्री सो थ्री अपॉन फोर सो फोर दोनों साइड में इक्वल है तो नीचे में हम लोग फोर ही लिखेंगे एंड फोर सब्ट विथ थ्री फोर सब्ट्रेक्ट विथ थ्री इज्कल टू वन सो वन अपॉन फोर सो ड्रॉ अ सर्कल एंड देयर इज द ब्रिंग द फोर पार्ट्स सर्कल के फोर पार्ट्स करने हैं और एक पार्ट्स में हम लोग को उसमें क्या करना है शेडिंग करना है और कलर करना है Now see the next one, five number. Here's a given a circle. There have the four parts, okay, and the two parts is shading. So two upon four plus addition. Four parts is again, and the two parts is shading. So two upon four. Now both are same. So four right here, two plus two, four. So total is four upon four. So like this, you have to draw and you have to write the answer and do the shading or coloring it here.